वेलकम यूट्यूब चैनल। मुड़े हुए नोजल की समस्या का समाधान हो गया। अब SMD चाहे 857 हो, 2008 हो, 861 हो, ये 6 mm, 8 mm, 10 mm सभी की यहाँ पे वो पड़ी हुई है। ये बिना उसके हैं, ये किसी में भी लग सकती है जिसमें एडजस्ट हो जाए। थोड़ा बहुत लूज भी हो सकती है, गारंटी नहीं होती क्योंकि कोई ओरिजिनल कंपनी क्विक ने बनाई हुई नहीं है। लेकिन क्विक तो क्या, ये जितनी भी SMD मार्केट में आती है जिसमें जो भी नोजल लगा है, जिसमें जो साइज फिट होता है आप ले सकते हैं। 3 साइज की अवेलेबल है, 6 mm, 8 mm, 10 mm, ठीक है जी। ये 861 के लिए स्पेशल बनी हुई है। ये 861 में लगेंगी और 861 जितने भी हैंडल है लाइक उन सब में लगेंगी। ये जिसमें 861 में नहीं लगती उसके अंदर ये वाली नोजल लग जाएंगी। ये किसी के साथ भी कंपेटेबल हो सकती है, 2008 के साथ भी, 881 के साथ भी, TR 1300 के साथ भी, और आपकी शुगर की SMD आ रही है, KC की SMD आ रही है, ये जो लोकल ब्रांड्स है कहीं पर भी लग सकती है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत लूज है तो आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। आप बाद में ये शोर बचाएं कि सब ये ऐसी थी, क्योंकि बहुत ये 100% जो है मतलब बना तो फैक्ट्री से होता है लेकिन ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है। इसका रेट बहुत सस्ता रखा हुआ है। कोई भी आप इसमें से 3 स्टेंस लीजिए, आपको 600 रुपए की पड़ेगी। वैसे आप लीजिए 225 रुपए की पड़ेगी एक सिंगल पीस। तो आप कभी भी कोई भी ले सकते हैं। 3 रुपए का बोलना है, 600 रुपए का पड़ेगा आपको। नॉर्मल में लेना है 225 रुपए का पड़ेगा। कहीं पे बेच सकते हैं। लोगों को बड़ी समस्या थी कि 861 के अंदर बैंड नोजल चाहिए होता है या ऐसा। अब जैसे 857 का अभी तक नोजल मार्केट में नहीं आता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 857 में लग जाएगा। आप लगा के टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर 857 लगेगा तो किसी और SMD में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आप पूरी देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो लेकर हम लोग जो है अभी आपको इन फ्यूचर जो है कल आपको और 2-3 प्रोडक्ट्स की वीडियो बना के भेजेंगे जो बिल्कुल एंटीक और अलग प्रोडक्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।